इंसान को लगना चाहिए क्रिकेटर है, स्पोर्ट्समैन है, अच्छी बात है, बट अगर कोई चीज़ किसी की स्ट्रेंथ है, उसकी स्किल बहुत अच्छी है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको राइट ऑफ आप कर दें, बट उसकी स्किल को भी देखना चाहिए। अगर वो किसी टीम के लिए मैच विनर है तो नेचुरली मेरी अपनी टीम में खेलता है कोटक ग्लैडिएटर्स में, और हर मैच खेला है पिछले सीज़न में भी, और पिछले साल हमें जिताया भी उसने मैचेस, तो उस चीज़ को राइट ऑफ नहीं करना चाहिए। अगर उसकी स्किल है तो आई थिंक कि बहुत से ऐसे फिट प्लेयर्स भी हैं जो बेचारे वो परफॉर्म नहीं कर पाते, जो ऐसे जिसको लोग कहते हैं कि ये फिट प्लेयर नहीं है वो परफॉर्म कर देता कभी कभी। आप सिफारिश कोटक ग्लैडिएटर में नहीं चलती उसके लिए, आई थिंक कि सिफारिश पहली बात यह है कि क्रिकेटर जितने भी पाकिस्तान के लिए क्रिकेटर आए, मेरा नहीं ख्याल कि कोई सिफारिश पे आते हैं, इनके पीछे एक स्ट्रगल होती है, एक मेहनत होती है हर क्रिकेटर के पीछे, ठीक है। तो नेचुरली उस प्लेयर की बड़ी दिल आजारी होती है जब हम लोग ये बोलते हैं सिफारिश से आए, सिफारिश नहीं होती, प्लेयर को उसका गेम खिलाता है, उसकी स्किल खिलाती है, और आगे भी जो परफॉर्मेंस करेगा नेचुरली वो खेलेगा, परफॉर्मेंस नहीं करेगा ऑफकोर्स बाहर हो जाएगा। ये तो हर इंडिविजुअल प्लेयर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने आप को क्या विजन कर रहा है, क्या फोर्स सी कर रहा है पाकिस्तान के लिए, कितना कीन है खेलना चाहता है और कितना परफॉर्म करना चाहता है। तो नेचुरली ये सब प्लेयर के अपने हाथ में, उसने अगर अपना करियर अच्छा रखना है, उसने कम्पीट करना है इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ, तो नेचुरली हैज़ टू परफॉर्म वेरी वेल। इट डजंट मैटर वो आजम खान हो या किसी और का बच्चा। मोइन भाई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, आजम के ऊपर बड़ी तनकीद होती है, तो एज ए फादर आपके जो तनकीद होती है उसको किस तरह? यार मुझे तो सच्ची बात है बड़ा मज़ा आता है तनकीद होती है, मैं बोलूँ ये चीज़ें उसको इंशाल्लाह प्लेयर बनाएगी, ठीक है ना। और बेसिक बात यह है कि तनकीद अच्छी है, तनकीद होनी चाहिए, उससे प्लेयर को करेज मिलती है, और अगर जहाँ उसकी कोताहियाँ हैं, जहाँ खामियाँ हैं, उसको रेक्टिफाई खुद करना चाहिए। जब सब अगर कोई चीज़ बोल रहे हैं तो ये तो हर इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। आपको मेरा करियर भी शायद याद होगा कि मैंने भी 5 कमबैक किए हैं पाकिस्तान के लिए, और बड़े अच्छे कमबैक रहे थे। तो एज अ फादर भी, एज अ क्रिकेटर भी उसको यही समझाता हूँ कि इसको पॉजिटिव लेना है, इसको कभी नेगेटिव नहीं लेना, डिप्रेस नहीं होना, बिकॉज चैलेंज लेना है ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है। तो कितने मजबूत हैं खुद आजम खान? आजम तो आपकी सेहत उसके सामने, आप सबके सामने कितने मजबूत हैं वो। हमेशा से ये कहता हूँ अगर सीनियर प्लेयर टीम में मौजूद है तो वो 11 में होना चाहिए, वरना वो बेंच पे नहीं होना चाहिए, उसकी अपने लिए भी डिसग्रेस होती है, डिसरिस्पेक्ट होती है, बिकॉज कितने हाईएस्ट लेवल पे सरफराज ने परफॉर्मेंसेस दिए पाकिस्तान के लिए खेला। आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की स्ट्रैटेजी है कि एक सीनियर के साथ एक यंगस्टर्स को रखना है, और ये बिल्कुल सही स्ट्रैटेजी है। आइदर वो आजम खान होता या कोई और बच्चा होता, मेरा ख्याल स्ट्रैटेजी ठीक है, रिफ्लेक्ट करेंगे यू नो। तो उम्मीद मैं करता हूँ बिल्कुल अगर यही अप्रोच रही तमाम प्लेयर्स की, तो यकीनन आने वाला वक्त जो है उसमें पाकिस्तान टीम टैलेंट वाइज तो कोई शको शुबा नहीं है, बट अगर डायरेक्शन सही हुई कप्तान की, जो बाबर आजम इस वक्त कप्तानी कर रहा है, माशाल्लाह खुद इतना बड़ा परफॉर्मर है नेचुरली, एक उसका इन्फ्लुएंस तो टीम में, लेकिन ये तो थोड़ी चीज़ें जो हैं वो नेचुरली अभी कम उम्र है, कुछ सीखने वाली है नेचुरली। चेयरमैन जिस तरह उनको डायरेक्ट कर रहे हैं तो वही चीज़ आपको फिर नज़र आएगी इंशाल्लाह टीम। मुझे बहुत उम्मीद है बिकॉज के एक बहुत अरसे के बाद एक ऐसे चेयरमैन आया जिसने क्रिकेट, जिसकी कहना चाहिए रख रख, जिसकी खून में क्रिकेट है। थैंक यू।